अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अली है, मैं एम फार्म फार्माकोलॉजिस्ट हूँ और ये मेरे दोस्त मोहम्मद बुरहानुद्दीन है, इन्हों बी फार्मा है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं एक्चुअली डॉक्टर अदनान का फेसबुक पेज फॉलो करता हूँ और उनके कई सारे वीडियोस को देखा और उनके पेशेंट के रिस्पॉन्सेस को देख के मुतासर था। जब मेरे ये दोस्त बुरहानुद्दीन उनके पैर का दर्द मेरे को बताए थे तो हम दोनों दूसरे डॉक्टर्स के पास गए थे और मसाजिस के पास भी गए थे कई सारे। तो डॉक्टर्स बोले कि उनको कुछ गैप है, कुछ एयर गैप है जिसमें वायर डालना पड़ता, कुछ सर्जरी करना पड़ता। मसाजर्स के पास गए, उन्होंने कई किस्म की मसाजा करे, तेल दिए, लगड़े, वो राहत था लेकिन वो थोड़ी टेम्प्रेरी रिलीफ था। फिर और गोली भी खाई करे तो टेम्प्रेरी रिलीफ हो रहा था लेकिन परमानेंट क्यों नहीं हो रहा था। अब हमारे जो दोस्त है उन्होंने जब ट्रैवलिंग करते ज़्यादा तो थोड़ा हिले करे तो भी उनको तकलीफ हो रही थी। तो मैं उनको जब मैं देखने के बाद डॉक्टर अदनान की वीडियोज़ देखने के बाद मेरे दोस्त को दिखाया, फिर साथ लेके आया। अब उनके 3 से 4 सेशंस हुए, अलहमदिल्ला उनको बहुत रिलीफ है। आगे अब हमारे बुरहानुद्दीन आपको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहान है। सो जैसा कि मेरा दोस्त ने बोला कि पेन बहुत ज़्यादा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था बहुत सारा, गियर शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। जब डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कंपलसरी सर्जरी करने के लिए बोला था, बट जैसा सजेस्ट किए डॉक्टर साहब के पास फर्स्ट टाइम जब आए, पेन इतना सीवियर था, उसके बाद में मेरा ऑलमोस्ट पेन ख़त्म हो गया था इनके पास आने के बाद। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी है बहुत फैंटास्टिक है। सो मैं मतलब हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर अदनान के पास आए, बिफोर सर्जरी एक बार कंसल्ट कीजिए, आप खुद मुतमइन होंगे अच्छे से इनसे। तो अभी मेरा 3rd सेशन हुआ है तो अलहमदिल्ला 90-95% मेरा पेन पूरा ख़त्म हो चुका है अभी। तो ज़्यादा क्लास आप